बस एक और प्रयास आपकी ओसीडी खत्म। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बस एक प्रयास और आपकी ओसीडी जड़ से समाप्त। जी हाँ दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए और पूरी तरह से अपने व्यवहार में लागू कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। होता क्या है कि जब बहुत सारे सफरर से हम बातचीत करते हैं तो उनको बोलते हैं कि 100 हथौड़े मारने के बाद में 101वां हथौड़ा जब आप मारोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी आप अपने हिसाब से बताइए आपने कितने हथौड़े मारे हैं, 2, 4, 5, 6, 7। प्रत्येक बार आप अपने लिए कहिए बस एक प्रयास और, बस एक प्रयास और, बस एक प्रयास और, बस एक प्रयास और। अपने आप को बोलिए तो सही कि बस एक प्रयास और, बस एक प्रयास। जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक बस एक प्रयास और, बस एक प्रयास और। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब आपने बाइक चलाना सीखा था तो पहली बार चढ़ते ही सीख गए थे क्या? तो वहां आपको लगा होगा ना कि यहाँ कुछ ऐसा हो गया है या कुछ करना पड़ेगा, लगा ना कि यहाँ मुझे दोबारा से एफर्ट डालना पड़ेगा। तो पहली बार में कहा क्या, चलो छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा छोड़ देते हैं। गाड़ी चलाना सीखा तब भी तो ऐसा किया ना, पहली बार चालू किया, उसके बाद में थोड़ा दिक्कत हुआ, थोड़ा भूले, थोड़ा गलतियां की, उसके बाद में गाड़ी बंद हो गया, उसके बाद में कहा कि चलो छोड़ देते हैं, नहीं करते, ये तो नहीं हो रहा। तो यहाँ क्यों ऐसा कर रहे हो, यहाँ आप ऐसा क्यों समझ रहे हो? जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो वहां आपको पेंसिल हाथ में दिया गया था तो पहली बार में ही पकड़कर सारा कुछ लिख दिया था। तो यहाँ ये फॉर्मूला क्यों लागू कर रहे हो कि एक बार कोई ट्रिक को अपनाया उसके बाद छोड़ दिया, ये काम नहीं करती। एक ट्रिक को अपनाया छोड़ दिया, नहीं काम हो रहा। पहले दिन अप्लाई किया नहीं रिजल्ट मिला, दूसरे दिन अप्लाई किया नहीं रिजल्ट मिला, तीसरे दिन अप्लाई किया आधा % रिजल्ट मिला, चौथे दिन वह भी नहीं मिला, पांचवें दिन नहीं मिला, तो चलो छोड़ देते हैं, काम को ही खत्म करते हैं। ऐसा क्यों सोचते हो, इसके अंदर एफर्ट डालिए ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ आज के इस वीडियो में, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं दे रहा, आपको तैयार कर रहा हूँ कि आप ट्रीटमेंट के लिए तैयार तो हो जाइए। रोज आप वीडियोस देख रहे हो, इसका क्या मतलब है आप ठीक होना चाहते हो ना, रोज वीडियोस देख रहे हो इसका मतलब आप ठीक होना चाहते हो। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो हम आपको ठीक होने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स बता रहे हैं जिनको आप फॉलो करके ठीक हो सकते हो। अब इसके अंदर दो ही चीजें हैं, या तो आपने सच्चाई में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है कि मुझे ठीक होना है, या फिर आप इससे भागने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से भाग करके पीछा छुड़ा लिया जाए। तो समझिए, अपने आप को क्लियर करिए इसके अंदर कि हाँ मुझे ठीक होना है ना, तो यह फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इतने दिनों तक करना पड़ेगा। इसीलिए तो बोलता हूँ हर बार अपने आप को क्या बोलोगे, बस एक मौका और, बस एक चांस और, बस एक टास्क और, एक बार और करके देख लेते हैं, एक बार और करके देख लो ठीक हो जाएगा। प्रयास करिए आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर बोल रहा हूँ प्रयास करिए रिजल्ट मिलेगा। यह जो वीडियो हमने डाला है यह सिर्फ और सिर्फ आपको पारी में जीवित रखने के लिए डाला गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप तैयार होकर के आइए, काम करिए इसके अंतर्गत, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हुए हैं आपका हेल्प करने के लिए, उनके साथ में जुड़ जाइए। मॉर्निंग इवनिंग प्रैक्टिस अभी तो हमने भी चालू करवा दिया है, मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इवनिंग में भी करवा रहे हैं, दोपहर को फीडबैक सेशन हो रहा है, इसके अलावा पर्सनल सेशन हो रहा है। अब एक दिन में 4 बार अगर कहीं से आपको पकड़ करके काम करवाया जा रहा है आपसे, तो इसके अंदर कितना एफर्ट हो गया, ठीक है। 4 टाइम अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो 4 टाइम हम आपको इसके लिए, दोपहर को फीडबैक रहेगा, सेशन रहेगा, इवनिंग मॉर्निंग प्रैक्टिस रहेगा। अब भी अगर आप इसके अंदर काम नहीं करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपकी अंदरूनी इच्छा है वह समाप्त हो चुकी है कि अब मुझे ओसीडी के साथ ही जीना है। प्रयास करिए रिजल्ट मिलेगा, जुड़ जाइए, प्रयास करिए जितना जल्दी हो सकता है इन चीजों को खत्म करके अपने जीवन में खुशियों का बरसात करिए, अपने जीवन में खुशियों को अनुभव करिए, अपने जीवन में खुशियों को लेकर के आइए और खुशी खुशी से अपना जीवन जिए। आज के इस वीडियो में हमारा मूल उद्देश्य यही था कि ओसीडी को खत्म करिए और अपने जीवन को अच्छे से जिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही,